Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, children. So let's start. So in the last class we have learned about the Socrates and his principles, right? So let's learn about the Abraham Lincoln. He was born in 1809 and died in 1865. Okay, let's see. Abraham Lincoln was the 16th president of the United States of America, USA. Okay, so jo Abraham Lincoln the wo अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट. ही इज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट. ही हैड टू ग्रेट अचीवमेंट्स. उनके दो अचीवमेंट्स है टू हिज क्रेडिट. फर्स्ट, ही सेव द यूनियन यूएसए फ्रॉम स्प्लिटिंग एंड द एबॉलिशिंग स्लेवरी. मतलब स्लेवरी मतलब गुलाम, गुलामी करना, स्लेव नौकर जिसे हम कहते हैं. ओके, तो वो एक सेव करे यूएसए को उस टाइम पर. देन बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, बहुत गरीब फैमिली में बॉर्न करे थे. एंड ही इज अ सेल्फ एडुकेटेड पर्सन. लिंकन बिकम सेल्फ एडुकेटेड लॉयर. खुद अपनी जो भी लड़ाई थी खुद लड़ते थे. ही वॉज वेरी शेयर्ड एंड बिकम वेल नोन फॉर हिज फेयरनेस एंड कंप्लीट हॉनेस्टी. ही वॉज अ वेरी हॉनेस्टी मैन. हमेशा सच बोलते थे. ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1960 at the time when the United States was in terminal, मुश्किलात में थी. जब वो स्टेट मुश्किलात में था तो जब अब्राहम लिंकन एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वहाँ पर. देन ही डिवाइड ओवर द इश्यू ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी. जो भी गुलामी करते थे लोग इसके अंडर, वो उसको हमेशा के लिए हटा दिए. द नेशन देन वेन यूरोपियन सेटल्स फर्स्ट केम टू यू एस एंड सेटल हियर, दे नीडेड पीपल टू वर्क इन द हाउसेस and the plantations. Millions of African had been brought from Africa and they were brought to sold like ordinary goods to work in this plantation. They were slaves and were forced to work very hard and terrible in a terrible conditions. By Lincoln's time, the northern state has become industrialized and the people work in factories. They needed no slaves and were opposed to slavery. Thus, the southern states still had a huge farms of plantations and they needed the slaves to work there. Lincoln's period as a president was taken up by the Civil War. Lincoln was against slavery. The southern states ceded in 1960. The Civil War between the northern and the southern. During the Civil War that Lincoln delivered his famous speech by Gettysburg, where he announced the government of the people, by the people, for the people. तो जो अब्राहम लिंकन थे उनको गुलामी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. वो उन्हों इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे. तो उन्होंने क्या करे, जब स्टेट बहुत मुश्किल में था तब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए. दैन बड़े बड़े कंपनीज जो यूरोप और अफ्रीका के लोग हैं लोग आकर यहाँ सेटल होने लगे. देन बड़े बड़े प्लांटेशन बनाए जिसमें स्लेव की बहुत जरूरत थी. बट उल्लू क्या करे, ये अबॉलिशन हटा दिए. ठीक है, लिंकन वॉज अगेंस्ट द स्लेवरी. सो देन द सदर्न स्टेट स्कीडेड द सिविल वॉर बिटवीन नॉर्थन एंड सदर्न. बाद में वॉर बिगेन हुआ विच टेक प्लेस इन 1960. द सदर्न स्टेट वर डिफीटेड बाय द नॉर्थन स्टेट. इट वॉज ड्यूरिंग द सिविल वॉर. लिंकन बिलीव दैट, हमेशा लिंकन बिलीव करते थे कि जो भी गवर्नमेंट है वो of the people है, by the people है, for the people है, of the people, then by the people, then for the people, people के लिए, people के वास्ते और people के लिए. Okay, then the words are generally quoted as a definition of democracy. So it is mostly quoted as a democracy, for the people, by the people, of the people. Okay, so in 1863 Lincoln declared the slaves in the southern state free. तो 1863 में क्या करें मालूम, लिंकन जो वहाँ पे जो स्लेव्स थे उनको पूरे को फ्री कर दिए. लिंकन वॉज री एलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन 1864. बाद में 1864 में फिर से एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए. द सर्थन स्टेट सरेंडर्ड इन अप्रैल 1865 एंड रीजॉइन द यूनियन. हाउएवर जस्ट अ फ्यू डेज लेटर on 14th April 1865 Lincoln was assassinated by the man called John Wilkes Booth as he sat watching a play for theater at Washington DC. Okay, then
Lincoln's nickname as a lawyer was Honest Abe and came to